हर्षवर्धन अवस्थी आपके पास आऊंगा। माल भाड़े में बढ़ोतरी नहीं की गई, जरूर इंडस्ट्री ने तो इससे रात की सांस ली होगी। और हमारे पास खबर यह है कि रेलवे बोर्ड कह रहा है कि मामूली कटौती माल भाड़े में की जा सकती है। डू यू थिंक इट इज गुड फॉर इंडस्ट्री? जी, ऑलवेज फ्रेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड इफ देयर इज एनी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फ्रेट इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इट इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प इंडस्ट्री। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि इकोनॉमी जो हमारे देश में है वो अभी थोड़े डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमी भी स्ट्रेस में है और रेलवे फ्रेट इसलिए नहीं बढ़ाया गया क्योंकि उसमें जितने माल रेलवे के थ्रू मूव कर रहे थे उसमें भी कमी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इस समय बढ़ाना उचित नहीं होता और इंडस्ट्री को इस समय एडिशनल फ्रेट पे करने में भी डिफिकल्टी होती। ओके, ठीक है सर। अरुणेंद्र कुमार भी हमारे साथ हैं। मिस्टर अरुणेंद्र, आपके हिसाब से माने तो ये एक ठीक ठाक बजट था, यात्रियों पर ज्यादा इस पर जोर दिया गया। यात्रियों के लिहाज से कहें कि पूरा बजट यात्रियों के लिए था या कुछ और आप कहेंगे सर इस पर? ये इनको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा किस तरह से काम करेंगे, लेकिन अगर आप किसी को भी रिजर्वेशन देते हैं तो उसका असर दूसरे यात्रियों पर पड़ेगा जो रिजर्वेशन अभी इनको मिलता था। लेकिन ये ज़रूर है कि महिलाओं के लिए एक जरिया हो गया कि उनको एटलीस्ट सीट तो मिलेगी जो खड़े खड़े जाते थे और जो अनरिजर्व कोच में जाना पड़ता था, उनके लिए भला तो हो जाएगा इसमें इस माध्यम से। ओके सर, भैया आप हमारे तिलक राज जी हैं, एग्जीक्यूटिव वीपी हैं मोबिलिटी सीमेंस के। मिस्टर तिलक राज, रेलवे के 45 प्रोजेक्ट को फंड की कमी की वजह से अगले साल के लिए स्थगित किया गया है सर, क्योंकि आप इंडस्ट्री से आते हैं, रेलवे फंड की कमी से जूझ रहा है, रेलवे इस परेशानी से आपके हिसाब से कैसे निपटारा पा सकता है सर? आई थिंक रेलवे के टाइम बाउंड कंप्लीशन में फंडिंग से ज्यादा पूरे एक मिशन की जरूरत रहती है। और आपने सुना होगा आज मंत्री जी ने बोला कि हमारे 7 मिशन डायरेक्टर्स होंगे और ये 7 मिशन डायरेक्टर्स मिशन 25 टन, मिशन 100, जो 100 साइडिंग्स, ये सब जो है एक टाइम बाउंड प्लान लाएंगे। और टाइम बाउंड प्लान तभी पॉसिबल है कि जब पावर डिसेंट्रलाइज हो, लेकिन पावर के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। फिर उन्होंने ये भी बोला कि हम सीनियर मैनेजमेंट को परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पे मॉनिटर करेंगे। मेरे हिसाब से फंडिंग के अलावा एक बेंचमार्क टाइमली एग्जीक्यूशन का जो इशू है, इससे प्रोजेक्ट जल्दी किए जा सकते हैं। ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ। मेरे दो सहयोगी भी जुड़े हुए हैं मुंबई से और दिल्ली से, और लोगों से हम बात भी कर रहे हैं। उषांग, जरा लोगों से पूछिए, यात्री किराया नहीं बढ़ा, उसके अलावा तमाम तरह की सुविधाओं पर जोर है और कहा यह जा रहा है कि आगे चलकर जो 4 नई कैटेगरीज की ट्रेनें आएंगी इससे भी बहुत ज्यादा यात्रियों को सहूलियत होगी, उनके लिए ये कैसी, उनको ये बातें कैसे लगी, जरा उनसे पूछिए जल्दी से। उषांग, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है उषांग तक आवाज। सर, तो अभी काफ़ी एडिशनल सहूलियतें दी गई है इस रेल बजट के दौरान, क्या आपको क्या लगता है जो नए एडिशन क्लीनर रेलवे लाइंस की बात और एडिशनल रेलवे लाइंस के एडिशन की बात चल रही है, स्पीड इंप्रूव करने की बात चल रही है, कई सारे नए मुद्दे उठाए गए इस रेल बजट दौरान, तो आपका क्या विचार है इसके ऊपर? देखिए, हमने सुरेश प्रभु जी को चिट्ठी लिखी है, उसने हमने कहा है कि ये अगर ट्रेन्स जो चर्चगेट से लेके विरार तक और CST से लेके कल्याण तक डबल डेकर होना जरूरी है, क्योंकि दिन में दिन आबादी बढ़ रही है, रेलवे में इतना लोड पड़ रहा है और मेजोरिटी पब्लिक, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, मेजोरिटी पब्लिक, हम जो प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, ट्रेन में बात करते हैं, तो पब्लिक का कहना है ये जो अभी जो रेल मिनिस्टर आए ये काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ये जरूर 5 साल में कुछ ना कुछ जरूर अच्छा ही करेगा, ऐसा सबका मेजोरिटी पब्लिक का कहना है, क्योंकि इससे पहले काफी मिनिस्टर ने जनता का पैसा लूटा, रेल लूटा, ये सबको मालूम है, जनता को मालूम है, इससे पहले रेलवे में कितना घोटाला हो गया, किस कौन सा मिनिस्टर ने कितना पैसा, करोड़ों पैसा जनता का खाया। तो ये जो सुरेश प्रभु जी आए हैं ना, ये काफी सिंसियर आदमी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और जनता का उनके ऊपर भरोसा है। तो हमने चिट्ठी लिखी है, हमने कहा है कि सुरेश प्रभु जी, अगर ये डबल डेकर ट्रेन का हमने कहा है, बाद में अगर ये ऑफिस का जो टाइमिंग गवर्नमेंट का
एक ही टाइम है 10 बजे या सुबह 10:30 बजे ठीक है। तो ये इनकी बातों पर कहीं ना कहीं यहाँ सुरेश प्रभु जी ने ध्यान दिया होगा, क्योंकि लोकल को ऑफिस टाइमिंग से सिंक्रोनाइज करने की बात भी आज उन्होंने बजट में कही है। प्रकाश जल्दी से आपके पास आऊंगा मैं, जरा बताइए दिल्ली वालों को एक नया रिंग रेलवे नेटवर्क देने की घोषणा की है, नया कहें या पुराना नेटवर्क जिसको जिंदा किया जाएगा, दिल्ली वाले इस नेटवर्क को कैसे देखते हैं और दिल्ली वालों को क्या प्रतिक्रिया, जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल, कैसा लगा बजट दिल्ली के लिए भी, इस बजट में खास है जो रिंग रेल है उस नेटवर्क को फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा दूसरी कई तरह की घोषणाएं की गई हैं, अगर रेल बजट में देखें सर्विसेज को इम्प्रूव करने की बात की गई है, आपको क्या लगता है कि इस बजट से कितनी उम्मीदें पूरी हुई और क्या उम्मीद कर रहे थे और ज़्यादा इससे? थोड़ा सा इसमें ये रेलवे का जो ये किराया है वो है ना गरीबों के लिए नॉर्मली कम होना चाहिए। किराया तो बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया, सर्विसेज इंप्रूव करने की बात कही गई है। सर्विसेज इंप्रूव क्या करेंगे अब, टाइमिंग तो है नहीं कुछ, ट्रेन अभी भी लेट चल रही है। हाँ, मतलब ट्रेन को समय पर चलाने की बात की गई है, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जिसकी उम्मीद आम आदमी कर रहा है? अरविंद गुप्ता जी की गई है, मैं आ रहा हूँ। प्रकाश आप रहिए मेरे साथ। अरविंद गुप्ता जी, सबसे बड़ा सवाल यही पर है कि ट्रेन टाइम से नहीं चलती है, हालांकि लक्ष्य रखा गया है कि 95% टाइमिंग से चलाएंगे ट्रेन 2020 तक, लेकिन लगता नहीं आपको बहुत देर हो रही है, इसको अभी करना चाहिए था? देखिए, इसके लिए पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिजुविनेशन की जरूरत है, बहुत ज़्यादा ट्रैक्स कैपेसिटी और सब कुछ बढ़ा जाने की ज़रूरत है, और इसके लिए काफ़ी ठोस कदम लिए जा रहे हैं। बट ये एक कोई स्विच ऑन एंड ऑफ का प्रोसेस तो है नहीं कि एक साल में ट्रेन टाइम पे नहीं चल रही और अगले साल टाइम पे चलने लगेंगी, तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और उसके लिए बहुत सारी जो रिस्ट्रक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और एक कल्चरल माइंडसेट की ज़रूरत है रेलवे और रेलवे विभाग के अंदर, वो सब के लिए आई थिंक मंत्री जी ने लास्ट बजट में भी और इस बजट में भी स्टेप्स लिए हैं। और ये एक जर्नी है, रेलवे तो वैसे भी एक जर्नी है, वो जर्नी चालू हो चुकी है टूवर्ड्स 95%। लेकिन सर इस जर्नी में कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, जैसा कि कुछ एक्सपर्ट्स भी थे हमारे साथ हैं इस पैनल में और कह रहे हैं कि आपने माल भाड़ा बढ़ाया नहीं, आपने यात्री किराया बढ़ाया नहीं, रेवेन्यू कहां से लाएंगे इस बारे में बहुत कुछ कहा नहीं आपने, प्लान्स आपके इतने बड़े बड़े हैं तो रेवेन्यू कहां से आएगा सर, क्योंकि 92% ऑपरेटिंग मार्जिन की ऑपरेटिंग रेशियो की बात खुद रेल मंत्री ने कही इस बार हो जाएगा। नहीं, 92% ऑपरेटिंग मार्जिन है, 90% का टारगेट है। जो चैलेंज आप दे रहे हैं ये तो रेल मंत्री का चैलेंज बहुत कठिन चैलेंज उनके पास रहा है, और उन्होंने उसके ऊपर बात करी है कि इनोवेटिवली नॉन फेयर रेवेन्यूज हैव टू बी इंक्रीज्ड। आप देखिए, स्टेशन रीडेवलपमेंट एंड कमर्शियल यूज ऑफ लैंड अराउंड द स्टेशन, मोनिटाइजिंग लैंड अलॉन्ग द ट्रैक्स, मोनिटाइजिंग ऑनलाइन एसेट्स एंड ई कॉमर्स, ये एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, ये बहुत इनोवेटिव स्कीम्स करनी पड़ेंगी, पीपीपी के साथ काम करना पड़ेगा, ये कठिन काम है, दिस इज नॉट अ इजी टास्क। एक पैसेंजर्स का और इंडस्ट्री से फीडबैक आ रहा है कि फ्रेट के आप चार्जेस नहीं बढ़ा सकते हैं, तो इतने कंस्ट्रेंट्स होते हुए भी एक इतना फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन। रीता बगुड़ा जी, अरविंद गुप्ता जो कह रहे हैं, मानते हैं आप इस बात को, संतुष्ट हैं आप? देखिए, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, वादे वादे वादे, और 2020 का इन्होंने टारगेट लगा दिया, प्रधानमंत्री जी हर चीज़ में 2022 का टारगेट लगा देते हैं, 2019 में चुनाव होना है लोकसभा का, आपने कहा था कि आप इनको आपने 5 साल दिए, मुझको आप कुछ महीने दे दीजिए, 60 महीने दे दीजिए, अब उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, 90 दिन में हम काला धन लाएंगे, रोज देखिए वादों से कुछ नहीं होता, पिछले 2 साल में क्या इनोवेशन हुआ रेलवेज में, हमको ये बताएं कौन सी ऐसी नई चीज रेलवेज में आई, और एक बिंदु हम लोग बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं। इस बात का बहुत सिंपल जवाब नहीं 90% का टारगेट है, जवाब लेते हैं, समय नहीं, बोलने दीजिए, बिना रेल भाड़ा बढ़ाए जाए बावजूद भी इतनी नई फैसिलिटीज, इतनी नए ट्रैक्स, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, और जो रेलवे का जो क्लीन प्रोजेक्ट है, और सारे नए टॉयलेट्स दिए जा रहे हैं, नई सर्विसेज दी जा रही है, पैसेंजर्स को नई फैसिलिटी दी जा रही है, एक जो रेलवे ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग सिक था, आई थिंक आज रेलवे इंडिया की एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी बन रही है, यूपीए के कार का एक्सटेंशन है। ठीक है, ठीक है, मैं एक न्यूट्रल भी ले लेता हूँ, मैं एक न्यूट्रल भी ले लेता हूँ, आप दोनों इनके अलावा एक कार का एक्सचेंज ले लेता हूँ, जो बात आप दोनों कर रहे हैं नहीं मानता हूँ। निवतिया साहब, मैं आपके पास आऊंगा एक न्यूट्रल व्यू आपसे, जो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस बात कर रहे हैं, एक न्यूट्रल व्यू एज अ कॉमन मैन, एज एन इंडस्ट्री मैन, आपको क्या लगता है?
हेलो जी जी, न्यूट्रल व्यू आपका जो बीजेपी और कांग्रेस कह रहे हैं, जो सरकार आपकी लास्ट बात समझ में नहीं, सुन सर, आपको क्या लगता है क्या वाकई इनोवेशन हुए हैं रेलवे में आपके हिसाब से? आवाज कट रहा है जी। ठीक है विजय साहब, मैं आपसे लूंगा फाइनल कमेंट यहाँ पर, क्योंकि आप रेलवे को अच्छे तरीके से समझते भी हैं। आपके हिसाब से जो बात यहाँ पर कह रही है कांग्रेस के इनोवेशन नहीं हुए और बीजेपी कह रही है कि हमने बहुत इनोवेशन किए हैं, आपका क्या कमेंट है इस पर? देखिए, जो वादे जो कहा जा रहा है 4 साल में, वो एक बहुत बड़ा एक मिशन है और बहुत राइट मिशन है। उसको अचीव करने के लिए डिटेल्स में तैयारी कर ली गई होगी और एक बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी। एंड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी बढ़ा लेना जिस भी तरीके से, वो एक बहुत बढ़िया और कम कॉस्ट। आपको लग रहा है कि रेल सही दिशा में जा रही है, रेलवे सही दिशा में जा रही है? नहीं, रेल का संसाधन फिर भी जुटाना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चाहिए बहुत ज़्यादा, और ये जो बाकी जो चीज़ें अचीव करनी है उसके लिए एक टास्क जो है बहुत लार्ज है, और उस टास्क के लिए अब जैसे 7 मिशन बनाए गए हैं, वो मिशन होपफुली सक्सेसफुल ही होंगे। ठीक है सर, तो उसके साथ साथ जरूर रिजल्ट मिलेगा। मतलब इंटेंशन अच्छे हैं, एग्जीक्यूशन सही तरीके से करना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से करना पड़ेगा, तो जो कहा जा रहा है वो हो भी सकेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, समय खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर यात्रियों की लॉटरी लगी है, लेकिन और भी कुछ बहुत कुछ करने की जरूरत है, और